तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मेरठ में आतंक मचाने वाले डीजे सेटअप में से एक, जो आपका इधर देख सकते हैं मोनू डीजे मेरठ। तो इस बार जो आपका 2024 का जो कांवड़ यात्रा में देख सकते हैं उनका सेटअप कैसा लगा है, तो सबसे पहले आप लोग बताइए सेटअप का लुक कैसा है। और सेटअप में आपका आगे से आपका 33 बेस लगा हुआ है और लाइनर वगैरह भी लगा हुआ है 10 इंची 12 इंची सब मिक्स करके। और इसमें जो आपका लगा हुआ टोटल 38 आरपी लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर में आपका देख सकते हैं चार पीस आपका जो बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं रेट्रो लाइट वो आपका लगा हुआ है। साइड साइड में आपका तीन तीनों करके मिनी ब्लेंडर है, उसके बगल में फिर बीच बीच में मतलब सारपी के बीच में आपका पार भी लगा हुआ है। और इधर देख सकते हैं इधर बड़ा ब्लेंडर, उसके बगल में एटोमिक स्ट्रोक जिसको कहते हैं वो आपका लगा हुआ है। फिलहाल अभी तो यहाँ पे सेटअप का जो मतलब लोडिंग का जो काम है लगभग पूरा हो चुका है, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे जो गाड़ी का जो आगे का जो भाग होता है वो यहाँ पे अभी आपका लगेगा, और उसके आगे कितना बेस लगेगा वो अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं ये काम कितना हुआ, टेस्टिंग कितना बजे तक हो सकता है। फिलहाल कुछ भैया का इम्पोर्ट मतलब सामान इम्पोर्ट होकर आया है बाहर से। तो इधर देख सकते हैं हाँ, सेटअप को ठंडा करने के लिए आपका यहाँ पे कूलर वगैरह भी लगा हुआ है फिलहाल। और इधर इधर भी आपका लगा हुआ सेटअप वगैरह। बाकी बात देख सकते हैं ये आपका पीछे से मतलब सेटअप का कनेक्शन वगैरह जो बॉक्स वगैरह का कनेक्शन सब किया जा रहा है यहाँ पे। और ये भैया का कुछ लाइनर वगैरह सब पहले वाला। बाकी बात अभी का जो न्यू आपका जो आया है बाहर से इम्पोर्ट होके वो भी आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो लगभग लगभग काम जो यहाँ भैया सब का हो चुका है। इधर भी आपके कुछ सामान रखे हुए हैं और इधर भैया सब के एम्पलीफायर जो कि आप लोग को आगे दिख रहा होगा वीडियो में। तो देख सकते हैं CA12 है जो कि आप लोगों को दिख रहा है। तो कुछ कुछ माल जो कि अच्छे से यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। इधर तो ज़्यादातर सब MT वगैरह ज़्यादातर यूज करते हैं और कुछ कुछ भैया का नया एम्पलीफायर भी आया है तो जो कि यहाँ से दिख तो नहीं रहा है फिलहाल। बाकी बात इनका कैबिनेट का फिनिशिंग चलिए आप लोगों को दिखाते कितना अच्छा है। तो इधर देख सकते हैं कैबिनेट का फिनिशिंग काफी बेहतरीन। और इधर भैया साहब देख सकते हैं एम्पलीफायर का कनेक्शन वगैरह भी साथ ही साथ हो रहा है। तो एम्पलीफायर का कनेक्शन वगैरह हो रहा है तो समझिए टेस्टिंग भी बहुत जल्दी हो ही सकता है आपका। इधर एम्पलीफायर का जो पीछे का लुक तो इन लोग का देख सकते हैं आप। सेटअप लोडिंग करने का तरीका भी देख सकते हैं कुछ यूनिक ही है। और ये जो आपका ट्रैक्टर है ट्रैक्टर का आगे का भाग इसमें आपका बेस लगा हुआ है, इसमें तो अभी ढका हुआ है तो फिलहाल कह नहीं सकते कितना बेस। अनुमान देखा जाए तो 8 बेस ही इसमें हो सकता है। और यही जो आपका बेस में जो आपके सेटअप लगा हुआ वही सेटअप जो आपका आगे में लगेगा, ठीक है। और हो सकता है बाद में कुछ सेटअप मतलब कुछ बेस वगैरह आपका बढ़ सकता है उसमें। तो इधर देख सकते हैं इधर ओपन यहाँ पे हो चुका है। आगे बने रहिएगा, टेस्टिंग जब होगा तो आप लोगों को टेस्टिंग भी दिखाएंगे। अब तो सबर तो हो नहीं रहा क्योंकि सेटअप इतना खतरनाक लग रहा दिख रहा है, प्लस में भैया का नाम पहले से बहुत ज़्यादा है तो हम लोग का भी सुनना है सेटअप कैसा है, मतलब बजता है नहीं बजता है, क्योंकि इनका जो आतंक है बहुत पहले से यहाँ पर चला आ रहा है तो देखना भी है। और भी अदर DJ वाले उनका भी खौफ बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पर हरिद्वार में, वो भी देखना है। तो लगभग लगभग काम जो आपके यहाँ पे हो ही चुका है वो उधर आपके छोटे छोटे DJ वाले। तो अभी जो है बहुत सारे जो यात्रा अभी लगभग लगभग निकल ही रहे हैं। तो आपके जो यहाँ से कुछ कुछ 2500 निकलेंगे 2600 या कुछ 2700 निकले जो बचेंगे 2700 निकलेंगे। इधर भी आपका एक DJ। बाकी वह इधर देख सकते हैं साइड साइड में भी आपका सबका डुअल बेस लगा है। ये आपको देखने लग रहा है कि GST है।
ऊपर आपका एम्पलीफायर, जो कि एम्पलीफायर आपका एमटीपी लगा हुआ है। बाकी इधर देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेटअप तो आपका ढका हुआ है। फिलहाल सेटअप का नाम है हैप्पी डीजल। कल इनका भी टेस्टिंग शायद शाम को था, उस टाइम तो हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। बाकी बात जब इनका टेस्टिंग आप लोग को, मतलब जब यहाँ पे टेस्टिंग होगा तो आप लोग को वीडियो पे मिलेगा देखने को। तो चलिए वीडियो को अभी एंड करते हैं।